यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस आज हम लोग दोबारा से खेले जा रहे हैं GTA 5। तो गाइस अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो देखी होगी तो गाइस आप लोग को याद ही होगा कि माइकल का ना सब कुछ ही लूट चुका है। मतलब गवर्नमेंट ने ना FIB ने मिलके, पुलिस वालों ने मिलके माइकल के घर, मेंशन, बिजनेस, शोरूम सब कुछ ही सीज कर दिया, माइकल के हाथ से छीन लिया है। गाड़ियां तक अपनी नहीं छोड़ी, वो भी भाई सब कुछ जा चुका है माइकल से। तो देन हम भाई एक प्रिजन में बंद हो गए थे, पुलिस वालों ने अपन को प्रिजन में बंद कर लिया था। उसके बाद अपन को डगन बॉस ने बचा दिया था वहां से। तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि भाई डगन बॉस बचा कैसे था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग वो पहले वीडियो देख के आना। उसके बाद ना गाइस मैं लॉस सैंटोस में 2-3 दिन के बाद चेक करने आया मेरे घरों का क्या हाल है, और अपनी फैमिली भी अपन को छोड़ के जा चुकी है, और अपने घर सारे ही भाई सीज कर रखे हैं, और मैं किसी भी घर पे एंट्री नहीं कर सकता, और पुलिस वाले चप्पे चप्पे में माइकल को ढूंढ रहे हैं। तभी मैंने अपना पूरा का पूरा हुलिया चेंज करवा लिया। उसके बाद भाई फिर एंट्री होती है एल रूबियो का एक गार्ड, क्योंकि भाई पता नहीं उनको कहाँ से पता चल गया कि माइकल प्रिजन से छूट के आ चुका है। भाई मेरे अकेले पे इतने सारे बंदों ने अटैक किया। उसके बाद भाई डगन बॉस आया, उसने भाई सारे बंदों को, और मैंने दोनों ने मिलकर ना सारे बंदों को टपकाया। अभी भी भाई कुछ ब्लैक ऑप्स के बंदे जो है ना वो हमको ढूंढ रहे हैं भाई, अपन को वो ढूंढ रहे हैं, हर जगह पे ढूंढ रहे हैं। बट लास्ट टाइम आप लोगों ने देखा था वो बिल्डिंग के आसपास ना वो अपनी गाड़ियां लेके चक्कर काट रहे थे। अभी तो यहाँ पे कोई नहीं है। बाकी भाई अपनी जो डगन बॉस बोल रहा है, अपनी जो लास्ट टाइम हमने बाइक्स खड़ी करी थी ना, जो कि बहुत ज्यादा रेयर बाइक्स हैं, उनको भी उठाना है। तो चलो ठीक है। तो भाई अभी गाइज अपन को डगन बॉस के विलेज पे जाना पड़ेगा, क्योंकि भाई अभी तो माइकल के पास अपना ना तो घर है ना ही कुछ रहने को सीन है। अभी तो भाई अपन को सिर्फ डगन बॉस ही पाल रहा है। ओ एक मिनट, मुझे कुछ बंदों की आवाज आ रही है। ओ वेट अ मिनट भाई, ये ढूंढते अपन को यहाँ तक आ चुके हैं। वो भैंस की यहाँ पे गाइस नीचे ना काफी सारे बंदे यहाँ पे, बट डगन तू क्या कर रहा है भाई, मार इनको। गाइस यार ये एल रूबियो ना भाई किसी भी हालत में डगन बॉस और मेरे को छोड़ने नहीं वाला। तो गाइस ये एल रूबियो ना हम दोनों को लेके ना भाई पक्का कायो पेरी को बुला के ना अपने भूखे शेरों के सामने डाल देगा। तो उससे बढ़िया यही है ना भाई, इनको मारो कैसे भी करके। देख रहे भाई सीढ़ियां चढ़ चढ़ के आ रहे हैं अपन दोनों को, हम दोनों को पकड़ने के लिए। बट भाई नहीं हाथ आएंगे यार हम इनके, कोई दिक्कत नहीं है। ओ प्यास की भाई बंदे आते ही जा रहे हैं। अबे गाइस मुझे लग रहा है ना अभी नीचे तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि नीचे देखना तो पड़ेगा कम से कम बंदे कितने हैं। प्यास की भाई बंदे तो बहुत ज्यादा। ओ वेट 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 वेट, अबे यार गोली लग रही है। अबे क्या कर रहा है डगन, मार भाई इनको। चलो यार गाइस अभी ये देख रहे हो भाई सारे के सारे बंदे सामने, और डगन भी भाई जितना हो सके ना उतना इनको खत्म करने में लगा पड़ा है। बाकी मुझे ना एक बार पहले इधर को आके मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे तो मुझे वेट 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 वेट, ये देखो गाइस ये रहा, बाहर से भी बंदे आ रहे हैं। वेट चलो गाइस इनको तो मैंने टपका दिया, बाकी ये सीढ़ियां चढ़ चढ़ के ऊपर आ रहे हैं और हर जगह से आ रहे हैं, ये देख रहे हो। ऑल राइट गाइस अभी यहाँ पे मैंने और डगन बॉस ने बहुत सारे बंदों को ना खत्म कर दिया है, और फिर भी भाई अभी भी बंदे खत्म होने का नाम नहीं ले रहे, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ रहे बंदे। वेट भाई ये सड़कों में भी घूम रहे हैं भाई, रुको यार वेट, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा भाई। एक सेकंड, एक तो भाई ये बंदे खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। ऊपर से देख रहे हो कितनी लाशें बिछा दी हमने, फिर भी बंदे आते ही जा रहे। वेट 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 वेट, ऑल राइट यहाँ पे हमने सीधा मत्थे पे शॉट मार मार के बंदों को खत्म तो कर दिया है, पर फिर भी बंदे आते जा रहे हैं। अभी ना गाइस अपन को धीरे धीरे नीचे तो जाना पड़ेगा, यहाँ पे खड़े होके हम कितने बंदे मारे देखते हैं नीचे जाके, और कितने बंदे बाकी हैं, क्योंकि अपन को यहाँ से निकलना भी है भाई। उनको अपनी लोकेशन पता चल चुकी है ना, तो अपने लिए सीन गलत ही हो जाएगा, पहले तो अपन यहाँ से निकलते हैं। चलो गाइस एकदम से मैं नीचे आ चुका हूँ भाई, ये डगन अभी भी ऊपर ही है। पहले तो इन बंदों को टपका के ना मैं डगन को नीचे बुलाता हूँ, उसके बाद अपन यहाँ से भागते हैं, क्योंकि कुछ भरोसा नहीं है ये कितने गार्ड्स हो सकते हैं, कुछ पता नहीं है भाई ये कितने गार्ड्स होंगे यार। वेट भाई आते ही जा रहे हैं, ये देख लो भाई सीढ़ियां चढ़ चढ़ के आते ही जा रहे हैं। अबे भैंस की अभी भी नीचे कितने सारे हैं। ओ वेट वेट वेट, भैंस की कितना गंदा गिरा मैं। ओ वेट वेट भाई साहब कैसे आ रहे हैं यार, इनकी लाशें उड़ उड़ के आ रही है अपने पे। चलो ठीक है गाइस डगन बॉस भी नीचे आ चुका है। ओ वेट अ मिनट, यहां पे तो कोई गाड़ी नहीं है भागने के लिए। अबे यार किसी की गाड़ी छीननी पड़ेगी। ये रहे बंदे, पहले इनको टपकाते, तेरी है ऐसी की तेरी, छुपके मार रहा है। चल निकल यहाँ से। तो चलो यार गाइस ये बंदे की ना पहले अपन गाड़ी छीनते हैं। अबे बाहर आ भाई, यहाँ पे तो बहुत सारे बंदे जिन्होंने अपन को ढूंढ दिया है वो दिक्कत करेंगे अपने साथ। आ जा भाई इधर, गाइस सामने देख रहे हो कितने बंदे हैं भाई,
अबे भैंस की टांग, यहाँ पे तो काफी सारे बंदे हैं। तो चलो यार गाइस पहले तो यहाँ से निकलते हैं। और डक्कन बोल रहा है ना, सबसे पहले अपन को वो बाइक्स पे बाइक्स के पास जाना पड़ेगा, अपनी बाइक्स उठा के ना सीधा उसके बाद इसके डक्कन के विलेज पे चलेंगे। तो चलो यार गाइस अभी अपनी गाड़ी भगाता हूँ और फटाफट से उसी जगह पे निकलता हूँ जहाँ पे अपन ने लास्ट टाइम दोनों बाइक्स को अपन ने पार्क करा था। ऑल राइट गाइस, मैं अपनी गाड़ी को भगाता उसी लोकेशन में पहुंचने वाला हूं जहां पे अपन ने लास्ट टाइम अपनी कार्स को अपनी बाइक्स को हमने पार्क करा था। और गाइस रास्ते में अपनी वो दूसरी वाली कार खराब हो गई तो हमने ये वाली गाड़ी किसी से छीन ली थी। ओके, तो ये वाली अपने जो बाइक्स है ना वो यहाँ पे पार्क करी है। तो चलो यार आजा भाई डक्कन, फटाफट से अपन को वो वाली बाइक्स लेके अभी तेरे विलेज पे जाके इन बाइक्स को वहीं पे पार्क कर देना होगा। तो उसके बाद गाइस देखते हैं यार भाई, अभी तो भाई चप्पे में और पुलिस और एल रूबिक गार्ड्स अपन को ढूंढ रहे हैं। मुझे तो यही बात का डर लग रहा है कि या तो पुलिस वालों के हाथ लग जाएंगे या फिर एल रूबिक गार्ड्स के। भाई सबसे ज्यादा गंदी जगह तो भाई एल रूबियो के पास ही, क्योंकि वो तो भूखे शेरों के सामने डालने वाला है अपन को। तो चलो गाइस यार डक्कन भी अपने पीछे आ चुका है अपना खोपड़ी वाला बाइक लेके। क्या ही बाइक है यार बंदे का, देख रहे हो ना क्या ही मस्त बाइक है इस बंदे का। और अपना भाई जंग लगा हुआ पर मस्त है यार बाइक भी, पूरा बढ़िया है ये। तो चलो यार गाइस अभी पहले तो यहाँ से अपन को ना सीधा रोड जाना है, उसके बाद आगे जाके ना एक मतलब विलेज जाने के लिए ये पहाड़ियों पे चढ़ चढ़ के जाना पड़ेगा। इसने ऐसी सी जगह पे अपना घर चूज किया है। तो चलो यार गाइस अपनी मैं बाइक भगाता हूँ, फटाफट से निकलता हूँ डक्कन बॉस के विलेज के लिए। ऑल राइट गाइस, हम जो है ना भाई अपनी बाइक्स को भगाते पहुंचने वाले हैं डक्कन के विलेज में। तो यहाँ पे गाइस देख रहे हो भाई कैसा नजारा हो रखा है, मतलब अबे भाई ढंग से चला ले भाई, भाई क्या कर रहा है तू। तो चलो यार गाइस अभी हमको भाई देख रहे हो कि मतलब सिर्फ सड़क ही है, अगर हमने थोड़ी सी भी गलती करी सीधा नीचे जाके भिड़ने वाले अपन। तो चलो यार बस यहाँ से अपन को सीधा जाना है। देख रहे हो भाई इसने कैसी सी जगह पे अपने विलेज को बनवा रखा है। वेट अ मिनट, यहाँ पे एक गाड़ी पड़ी है जो कि मुझे देखी लग रही है। वेट अबे रुकियो भाई, यहाँ पे भैंस की टांग, यहाँ पे तो नंबर प्लेट पे नाम भी मेरा ही लिखा हुआ है। ओ ये तो अपनी लैम्बोर्गिनी सियान है भाई। अबे ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये अपनी गाड़ी यहाँ पे, वो भी इतनी बुरी हालत में। अबे नीचे उतारना पड़ेगा इसको, एक मिनट रुको यार, इसको धक्का वक्का लगा के नीचे उतारते हैं। तो चलो यार गाइस अपन ने ना अपनी लैम्बोर्गिनी सियान को यहाँ से बाहर तो निकाल लिया। वेट भाई इसके टायर पूरे ही जा चुके हैं, देख रहे हो रिम्स दिख रहे हैं बट इसके टायर्स पूरे जा चुके हैं। मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही, ये अपनी सारी गाड़ियां गवर्नमेंट ने करी थी ना भाई, अपने से गवर्नमेंट ने सीज करी थी अपनी गाड़ियां, बट ये गाड़ी अपन को यहाँ पे क्यों मिली। वेट इसको स्टार्ट करके देखता हूँ, स्टार्ट तो हो गई। वेट भाई मैंने इसको स्टार्ट किया, इसमें तो आग लग गई। अबे यार इसमें तो आग लग गई है भैंस की टांग, भाई नहीं होगा यार। तो गाइस इसका ना पूरा इंजन जा चुका है। अभी भाई डक्कन बोल रहा है कि मैं चेक करके देखता हूँ, भाई नहीं हो रही स्टार्ट, ये देख रहे हो बिल्कुल भी स्टार्ट ही नहीं हो रही गाड़ी। अभी ना गाइज एक काम करना पड़ेगा अपनी, इसमें हेल्प ना सिर्फ बैनी ही कर सकता है। जब से गाइज अपन, आप लोग को पता होगा जब से हम प्रिजन से जाके आए ना, तब से अपने पास ना तो फोन है ना कुछ, और उसके बाद से सब कुछ छिन चुका है। तो अपन बहुत गरीब हो चुके हैं भाई, डक्कन के पास कम से कम फोन तो होगा। इसको ना मैं बोलता हूँ भाई एक बार बैनी को कॉल लगा दे, कम से कम ये गाड़ी तो अपनी ठीक हो जाए। भाई ये तो गाड़ी भी बहुत मस्त है यार अपनी। ऑल राइट गाइज मेरी जो है ना भाई डक्कन से बात हो चुकी है और इसने कॉल लगा लिया है बैनी को। भाई देखते हैं भाई बैनी यहाँ पे आएगा भी या फिर नहीं। तो गाइज इसकी जो है ना बैनी से बात हो चुकी है और बैनी बोल रहा है कि वो 15-20 मिनट तक आ जाएगा, क्योंकि वो यहीं पे ही घूम रहा है। तो चलो यार जब तक अपन एक काम करते हैं, डक्कन के जो बाइक्स है ना उसको डक्कन के विलेज पे मतलब डक्कन के घर पे छोड़ आते हैं, देन उसके बाद अपनी ये गाड़ी को ना अपन यहाँ से पिकअप करवा लेंगे। तो चलो यार गाइज अपन जो है ना भाई डक्कन का भी पीछा करते करते चलते हैं और फटाफट से ना भाई डक्कन के घर पे ये दोनों बाइक्स को लगा देते हैं। ओके तो चलो गाइज यार अपन जो है भाई पहुंच चुके हैं डक्कन के घर पे और यहाँ पे गाइज अपन को बस अपनी बाइक्स लगानी है, उसके बाद मैं भागता भागता जाऊंगा भाई उस गाड़ी के पास, उसको तो भाई मैं कैसे भी करके रिपेयर करवा लूंगा। अबे ओ भाई क्या कर रहा है, कैसे पागलों की तरह ड्राइव कर रहा है भाई ये बंदा। तो ओके गाइज यार अपन आ चुके हैं, अपन को बस अभी जो बाइक्स है ना वो उसको अपन को इधर पार्क करना है, इधर इसकी सारी की सारी गाड़ियां खड़ी है। तो चलो यार गाइज इसको इसकी बाइक को ना इधर ही पार्क कर देते हैं और अपन चलते हैं भाई यहाँ से। ओके गाइज यार ये भी डक्कन भी आ चुका है, ये थोड़ा सा लेट हो गया, अपन पहले पहुंच गए,
तो चलो यार, इसने भी अपनी बाइक को अंदर लगा दिया। अभी फटाफट से एक बार ढक्कन से बात कर लेते हैं, देन उसके बाद भाई बैनी आ जाएगा, तब तक अपन अपनी गाड़ी को भी आज रिपेयर करवा लेंगे। बट यार गाड़ी रिपेयर करवाने के लिए अपने पास तो ना तो पैसे है ना कुछ, क्या ही करें यार। ओके तो गाइज यार, अभी जो है ना मुझे ढक्कन ने थोड़े से पैसे दे दिए ताकि भाई मैं अपनी गाड़ी को रिपेयर करवा सकूं। देखते भाई अभी मुझे भगते वक्त अपनी गाड़ी के पास तो पहले खुद ही पहुंचना पड़ेगा। तो चलो यार गाइज, अभी अपन को भागते भगते जाना पड़ेगा अपनी लैम्बोर्गिनी सियान के पास। मुझे लग रहा है ना बैनी अभी पहुंच ही चुका होगा गाड़ी के पास। ऑल राइट गाइज, भाई मैं भगता भगता कितना ज्यादा थक चुका हूँ, देख रहे हो भाई माइकल की क्या हालत हो गई है। भाई ये ढक्कन बॉस कितना गलत है यार, बंदा ने चाहे खुद ही छोड़ने आ जाता या बाइक वाइक कुछ दे देता। तो चलो गाइज, वेट 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 वेट, अबे ये इसने बैनी ने ये क्या कर दिया, गाड़ी फाड़ दी। अबे क्या कर रहा है भाई, ऊपर से आग बुझा रहा है गाड़ी की। ओ इधर भी आग लगी पड़ी है भाई। अबे बैनी तू पागल है भाई, तूने गाड़ी क्यों फाड़ दी भाई। तो गाइज गाइज, बैनी बोल रहा है कि मैं सिर्फ अभी एक गाड़ी में बैठा ही था और मैंने इसको थोड़ी सी रेस दी और एकदम से भाई पूरी गाड़ी को आग लग गई। भाई तू पागल है भाई। मैं भाई और गाइज मैं अपन भी चेक करके गए थे ना जब इस गाड़ी को, तो गाड़ी के इंजन में आग लग रही थी, तो भाई इस बंदे ने इसके अंदर बैठ के ना रेस दी होगी पक्का, और वो पूरे इंजन को आग लग गई, मतलब पूरी गाड़ी को ही आग लग गई। अब बैनी इसका बता यार कुछ हो सकता है या नहीं। यार मुझे गाड़ी चाहिए बस, मुझे नहीं पता। बैनी कह रहा है मैं हूं ना मैं इसको ठीक करके दिखाऊंगा। भाई देखते हैं यार क्या ही ठीक करेगा, अब तो पूरी गाड़ी ब्लास्ट ही हो गई यार। चलो गाइस अभी हम दोनों को ना ये गाड़ी को ना पहले इसके ऊपर चढ़ाना पड़ेगा और फिर इसको गाड़ी को लेके जाना पड़ेगा बैनी के गैराज पे। ऑल राइट गाइज, बहुत ज्यादा मेहनत मुशक्कत के बाद हम दोनों ने ये गाड़ी को उठा के इस ट्रक के ऊपर रख दिया है। अभी बैनी बोल रहा है आ जाओ तुम मेरे साथ बैठ जाओ। और गाइज यार अभी बैनी को भी ये सारी की सारी बात पता चल चुकी है कि माइकल अभी होमलेस हो चुका है। और भाई बैनी भाई एक चीज बोल रहा था, बैनी बोल रहा था मैं जब आ रहा था ना मैंने तुम्हारी फैमिली को एक गाँव में देखा था जहाँ पे वो रह रही है, मैंने इसको बोला कि भाई मेरी फैमिली भी मेरे को छोड़ के जा चुकी है। और गाइज बैनी बोल रहे है तुम अपने घर पे क्यों नहीं रह रहे, इधर क्यों रह रहे हो। पर भाई मैंने अभी इसको बताया कि अपन को भाई उस घर में घुसने के लिए अमेंडा ने मना कर दिया। अमेंडा क्योंकि गाइज जो आप लोग को पता होगा जो अपने मेंशन गाड़ियां और अपने शोरूम सब गए ना वो सिर्फ माइकल के नाम पे थे, तभी वो गवर्नमेंट ने अपने हाथ से छीन लिए। बट जो अपना मेन घर था ना वो अमेंडा के नाम से था और अमेंडा ने भाई अपन को घर आने से मना कर दिया है और वो खुद भी उस घर पे नहीं रह रहे और मेरे को भी आने से मना कर दिया और पूरा का पूरा मैं होमलेस हो चुका हूँ। और गाइज अभी जो मैं इसकी एक बात पे गौर कर रहा हूँ, बैनी ने बोला कि मेरी फैमिली गांव में रह रही है। भाई जब उस घर में ना मैं रह पा रहा हूँ ना मेरी फैमिली रह पा रही, तो वो घर फिर क्यों खाली छोड़ा हुआ है, मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक काम करूंगा जरूर, पहले अपनी गाड़ी को ना एक बार रिपेयर करवा लूं, गाड़ी में से अभी भी धुआं निकल रहा है, गाड़ी को एक बार रिपेयर करवा लूँ, सब कुछ सेट करवा लूँ ना, उसके बाद अपन अपनी फैमिली को मिलने जरूर जाएंगे। भाई एक बार तो बात करके ही आऊँगा मैं अपनी फैमिली से। तो चलो यार गाइस बातें बहुत हो चुकी है, सबसे पहले तो अपनी ये वाली गाड़ी को मैं रिपेयर करवाऊँगा। आप लोग को पता है जब हम लॉस सैंटोस में नए नए आए थे ना, जब हमने मतलब ये गैंगस्टर वाला काम शुरू किया था, सबसे पहली गाड़ी अपनी यही थी लैम्बोर्गिनी सियान। और आज भी गाइस जब माइकल होमलेस हो चुका है और इसको सबसे पहली गाड़ी अपनी लैम्बोर्गिनी सियान ही मिली है, तो मुझे आप लोग कमेंट करके बताओ आप लोग को क्या लगता है अभी क्या होने वाला है। तो चलो यार गाइज अभी चलते हैं भाई यहाँ से सीधा बैनी के गैराज की तरफ। ऑल राइट गाइज, अपन जो है ना अपने ट्रक और इस गाड़ी को दोनों को लेके पहुंचने वाले हैं बैनी के गैराज पे, जो कि हम पहुंच भी चुके हैं। गाइज बहुत मोटा खर्चा आने वाला है यार, अब तो भाई ब्लास्ट इसने करी है, भाई ये अपना आधा खर्चा यही पे करेगा क्योंकि ब्लास्ट इसने करी है। मैंने इसको बिल्कुल सही गाड़ी दी थी, इसने ब्लास्ट करी है, तो देखते हैं भाई अभी कितना खर्चा आता है। बाकी गाइस देख रहे हो इसने अपना गैराज कितना ही बड़ा कर लिया, भाई मोटा पैसा छाप रहा है ये बैनी तो। चलो यार ठीक है, अभी इस गाड़ी को हम दोनों को उठा के ना अभी फटाफट से बैनी के गैराज के अंदर छोड़ना पड़ेगा। तो चलो यार गाइस अपन ने भाई ये गाड़ी वहां से ला के ना इधर तो रख दी। अभी बैनी बता भाई इसमें क्या ही खर्चा आने वाला है, क्योंकि भाई ढक्कन बॉस ने अपन को इतने ज्यादा पैसे तो नहीं दिए, बहुत ही कम पैसे दिए भाई, देखते हैं भाई कितने पैसों में ये होती है। बाकी बैनी ही बता सकता है इसके बारे में, बता भाई बैनी। तो गाइज गाइज गाइज, बैनी बोल रहा है कि इसका इंजन पूरा फट चुका है और भाई जो इसने फाड़ा था ठीक है, और इसकी जो बॉडी है वो भी जा चुकी है। इसका पूरा खर्चा ये बोल रहा है $2 million का आने वाला है, जिसमें से भाई 75% चार्जेस तो तू ही पे करेगा क्योंकि इंजन ही ज़्यादा महंगा है, और 25% मैं पे करूँगा। भाई अपने पैसे बच जाएंगे यार मुझे लग रहा है, देखते हैं। ओ भाई ये कह रहा है कि जो होगा आधा आधा होगा। भाई देख मेरी बात सुन, इंजन तूने फाड़ा था, मैंने नहीं फाड़ा था ठीक है, मेरी गलती नहीं है भाई, तूने फाड़ा था इंजन, मैंने अपनी गाड़ी तेरे को बिल्कुल सही दी थी। तो चलो गाइज यार
अभी बेनी मान चुका है तो गाइज अपना तो फायदा हो गया भाई। देख रहा थोड़ी सी बार्गेनिंग करने से भाई कितना चार्जेस कम हो गए। मुझे ऐसे था भाई 50-50 देने पड़ेंगे और मुझे $1 मिलियन देना पड़ेगा, इतना तो भाई अपन को डगन बॉस ने दिया भी नहीं। सारा ही खर्चा मेरा मन कर रहा है भाई, सारा ही खर्चा अपन बेनी के ऊपर ही डाल देते हैं। चलो ठीक है गाइज, अभी बेनी बोल रहा है कि इसके जो पार्ट्स है ना वो अपन को लेने जाने पड़ेंगे। इसके पास इंजन तो पड़ा है बट गाइज अपन को इसकी बॉडी लेने के लिए जाना पड़ेगा। बॉडी ये बोल रहा है कि इसका फ्रेंड है वो देगा, और इसका ये बोल रहा है कि इसका पास इंजन तो है बट ये भाई इसके पास 2-3 इंजन यहाँ पे पड़े हैं, मुझे लग रहा है इनमें से कोई इंजन लगा देगा ये। तो चलो गाइज यार अभी बेनी से बात कर लेते हैं। भाई क्या ही गाड़ी है इसके पास भाई, ये तो बहुत ही मोटा पैसा छाप रहा है। इसकी खुद की गाड़ी है या फिर इसकी रिपेयर होने आई है, इससे पूछता हूँ यार। अबे नंबर प्लेट तो इसी के नाम पे है तो भाई बेनी क्या ही मस्त पैसे छाप रहा है भाई, तू गाड़ियां रिपेयर करते करते लैम्बोर्गिनी ले ली भाई इस बंदे ने। चल ठीक है गाइज, इसके बाद बहुत पैसा है, मेरा मन तो कर रहा है 100% पेमेंट इससे करवाऊंगा। आप लोग बताना यार कमेंट करके भाई 100% पेमेंट इसी से करवाएंगे, टेंशन मत लो भाई। बेनी एक का बात सुनना भाई, 100% पेमेंट कर देना यार भाई, पैसे नहीं है यार, होमलेस हो चुका हूं यार, कर दे यार। अबे कर देना यार भाई, मना कर रहा है यार। चलो ठीक है कोई बात नहीं यार, 25% अपन कर देंगे पेमेंट। तो चलो यार पहले तो इसके फ्रेंड के पास अपन को जाना पड़ेगा और अपन को इसके बॉडी पार्ट्स लाने पड़ेंगे। इंजन इसके पास पड़ा है, बस अपन को बॉडी पार्ट्स लेने जाना है। तो चलो यार गाइज अभी बेनी ड्राइव करेगा इस ट्रक को, फटाफट से अपन निकलते हैं भाई बेनी के फ्रेंड के पास, देखते हैं भाई को बेनी के फ्रेंड के पास कौन सा गैराज है। क्योंकि भाई अगर इतनी बड़ी बड़ी तगड़ी तगड़ी लैम्बोर्गिनी जैसी गाड़ियों के वो बॉडी पार्ट्स रखता है ना, तो मतलब भाई उसका शोरूम या फिर जो भी गैराज है ना मस्त होगा। तो चलो यार गाइज निकलते हैं फिर बेनी के फ्रेंड के शोरूम के लिए। ऑल राइट गाइज, हम अपना ट्रक को भगाते भगाते पहुंचने वाले हैं बेनी के फ्रेंड के शोरूम में। वेट, मुझे यही क्यों लग रहा है, ओ भाई देखने से तो मस्त है भाई, कैसी मतलब वॉल पेंटिंग क्या ही मस्त करवा रखी है। वेट अबे बेनी रुक भाई, गाड़ियां देखने दे, क्या ही मस्त मस्त गाड़ियां भाई, रोल्स रॉयस दो दो सामने खड़ी हैं। और ये गाइज इनका ना शोरूम वाला मतलब शोरूम भी है इनका, ये जो गाड़ियां वगैरह सेल करते हैं। ये मर्सिडीज जी वैगन भी क्या ही मस्त है, ऐसी गाड़ी भाई सेम टू सेम ना ऐसी गाड़ी ब्लैक कलर में पहले डगन बॉस के पास हुआ करती थी, बट अभी भाई जब से उसका सीन हुआ तब से सब कुछ उसका लुट गया बेचारे का। तो चलो यार ये तो यहाँ पे कोई मस्त गाड़ियां नहीं है, उधर बाकी वो रिपेयरिंग कर रहे हैं गाड़ियों की, सब कुछ रिपेयर विपेयर चल रहा है। तो बाकी यार मुझे ना रोल्स रॉयस ना ये गोल्ड कलर वाली और रेड कलर वाली दोनों ही मस्त लग रही हैं। ये आई थिंक रोल्स रॉयस घोस्ट है और ये फैंटम है भाई, दोनों ही मस्त है। ओके ओके आया भाई आया, रुक जा भाई सीटी मत मार, आ रहा हूँ ना। एक तो भाई इसको पता नहीं क्या ही होता रहता। चलो गाइस यार इसका पीछा करते करते चलते। इसके फ्रेंड ने भाई पता नहीं गाड़ियों का ये बोल रहा था कि उसने गाड़ियों का बॉडी पार्ट मंगवा रखे हैं। वेट गाइस ये तो भाई बहुत सारी गाड़ियों के इनके पास बॉडी पार्ट्स है ना भाई, ये बॉडी पार्ट्स क्या ही ओरिजिनल लग रहे हैं। मतलब ये ऐसे बॉडी पार्ट्स होते हैं जिसमें कि भाई इंजन रखा जाता है और ये जो मतलब थोड़ी मोटी ये जो टायर वगैरह लगा के ना उसके बाद भाई इस पे पेंट वगैरह करके बेनी यहीं से मतलब बॉडी पार्ट्स लेके जाता है। ये है सारे के सारे बॉडी पार्ट्स जो के है। ये भाई मुझे बॉडी पार्ट ना देखने में आई थिंक एक सेकेंड यार ये मुस्टैंग का लग रहा है और ये लैम्बोर्गिनी सियान का है भाई, लैम्बोर्गिनी सियान का बेनी यही है भाई, इसको लेके कैसे जाएंगे भाई। मैं अंदर बैठ के भी देख नहीं पा रहा हूँ यार, ताकि मैं अंदर बैठ के इंटीरियर तो चेक कर लेता। चलो ये फरारी का है भाई, सारे के सारे रखे हुए हैं यार इनके पास, मस्त है भाई ये। ओ वेट अबे बेनी एक सेकेंड भाई, ये तो मेरी रेसिंग कार है उसकी बॉडी भाई, सेम टू सेम मेरी गाड़ी भी ऐसी ही दिखती है भाई, कहीं भाई वही गाड़ी तो नहीं है। बट नहीं यार ये तो बॉडी पार्ट है, मैं इसके अंदर बैठ भी नहीं पा रहा हूँ। तो चलो यार गाइज अभी चलते हैं भाई, पेमेंट सारी तू ही करेगा, समझ में आया ना, पेमेंट सारी तू ही करेगा, समझ में आया। तो चलो यार गाइज अभी बेनी जो है ना वो सारी की सारी पेमेंट कर देगा। अबे भाई मना कर रहा है भाई, प्लीज भाई देख बेनी यार मेरे पास अभी कुछ नहीं है, प्लीज कर दे यार, प्लीज कर दे यार। चल ठीक है, चलो गाइज यार बेनी मान चुका है, अभी ये बेनी जो है ना इस बंदे को पेमेंट करके ये जो बॉडी है ना इसकी उठा लेगा। और बेनी बोल रहा है कि मुझे कुछ ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि इंजन तैयार है और बॉडी पूरी बनी बनाई है और टायर लगाने हैं, बस तुम्हारी गाड़ी आज की आज मैं रेडी करके दे दूंगा। चलो ठीक है भाई अभी रेडी तो कर देगा, बाकी पेमेंट इसने कर दिया भाई। चलो ठीक है अभी जो गाड़ी है ना ये जो बॉडी है हम दोनों को भाई थोड़ा जोर लगा के इसके ऊपर रखनी पड़ेगी। तो चलो यार गाइस इस पे पहले फटाफट से ना बॉडी को रख लेते, एक बार ना मैं पहले चेक कर लूं, रुक जा
था भाई बहनी, एक तो ये बॉडी है लैम्बोर्गिनी सियान की और एक ये है। पहले मुझे दोनों में चेक करने दो गाइस, क्योंकि अगर डेंट वेंट पड़ा होगा ना तो दिक्कत हो जाएगी। बट एक सेकंड यार, ये मुझे बॉडी ना थोड़ी ठीक लग रही है, उसके कंपैरिजन में ना मुझे ये बॉडी थोड़ी ठीक लग रही है। तो चल भाई बहनी ये वाली उठाते हैं भाई अपन। तो चलो यार गाइस, हम दोनों ने पूरी मेहनत और मशक्कत के साथ ना ये वाली इसकी बॉडी जो है ना वो ऊपर रख दी, ये हैवी बॉडी है भाई। चलो ठीक है गाइस, अभी बैनी जो है ना इस ट्रक को धीरे धीरे अपने साथ साथ पीछे लेके आ जाएगा, जब तक मैं बाहर की तरफ चलता हूँ ठीक है, क्योंकि बाहर जाके अपना आराम से निकाल बैठते हैं भाई। जब तक मैं इसका ट्रक, ओ भाई ठोक क्यों रहा है, ढंग से लेके आ, थोड़ा लेफ्ट 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 भाई, बिल्कुल बिल्कुल सही सही, आ जा आ जा भाई, बिल्कुल सही। तो चलो इधर से थोड़ा लेफ्ट लेफ्ट ले ले, हाँ भाई सीधा सीधा चलता, सीधा सीधा चलता। तो अभी सीधा गाइस चलते हैं फिर बाहर की तरफ। यहाँ पे तो भाई मुझे इसका शोरूम बहुत पसंद आया, थोड़ा सा ना एक चीज पे मार खा गया ये शोरूम, जो ऊपर लाइट्स लगी हुई ना, ये टिकटॉक वाली लाइट्स ना अच्छी नहीं लगी यार मेरे को, बाकी शोरूम ऑल ओवर बहुत अच्छा है। चलो यार गाइस, अबे मुझे तो बिठा ले भाई साथ में, एक मिनट। तो चलो यार गाइस, अभी मैं बैठ चुका हूँ बैनी के साथ। अभी फटाफट से बैनी बोल रहा है कि गैराज में चलते हैं, और इसको ये बोल रहा है कुछ ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि इंजन फिट करना है और टायर्स फिट करने हैं। टायर और इंजन फिट करके इसको कलर करके ना मुझे बैनी जल्दी ही ये गाड़ी पकड़ा देगा अपने हाथ में। तो भाई देखते हैं अभी पेमेंट कितनी बना के देता है, कितना बिल अपने ऊपर चढ़ा के देता है बैनी। चलो गाइस यार, अभी ये ट्रक भगाते हैं और फटाफट से निकलते हैं बैनी के गैराज के लिए। ऑल राइट गाइस, हम जो है ना भाई इस ट्रक को लेके और ये गाड़ी को लेके पहुंचने वाले हैं बैनी के गैराज पे। और यहाँ पे गाइस ये बैनी ना अपन को गाड़ी रिपेयर करके दे देगा भाई। इसने तो बोला है कि एक दो घंटे का ही काम है, बाकी मुझे लग नहीं रहा कि एक दो घंटे का काम है ये, क्योंकि इसको टाइम तो मुझे लग रहा है जाएगा भाई, बाकी देखते हैं कितना टाइम लगता है इसको। चलो यार गाइज, अभी फटाफट से ये बॉडी पार्ट को उतार के ना बैनी के गैराज पे छोड़ देते हैं। ऑल राइट गाइज, अभी बैनी को और मैं दोनों भाई बॉडी पार्ट को अंदर लेके आ चुके हैं। बैनी बोल रहा है कि अभी फटाफट से ना पहले इसका इंजन रखते हैं और जो भी इसका मतलब टायर वायर वो लगा के उसके बाद मैं इसको कलर करने के लिए लग जाता हूँ। बैनी बोल रहा है कलर थोड़े टाइम बात करेगा, क्योंकि कलर करने में थोड़ा टाइम ज्यादा जाएगा, पहले ये कह रहा है कि मैं इस गाड़ी को ना रेडी कर लेता हूँ। भाई साहब इधर तो मेरे को बैठे हुए काफी ज्यादा टाइम हो चुका है मेरे को, आई थिंक भाई बैनी ने बोला था एक घंटे में गाड़ी मिल जाएगी और मेरे को यहाँ पे बैठे बैठे तीन घंटे हो चुके हैं। चलो यार कॉफी वॉफी सब पी लिया, बाकी ना गाइस ये बैनी का गैराज है ना बढ़िया ही बना रखा है बंदे ने, अंदर मतलब वेटिंग रूम मस्त बना रखा है। तो चलो यार अभी देखते हैं भाई बैनी ने कितना काम कर दिया, या फिर गाड़ी रेडी भी है या फिर नहीं, देखते हैं। चलो पहले तो ऊपर चढ़ के जाना पड़ेगा मेरे को, तो सबसे मैं टॉप पे आ चुका हूँ। और चलो भाई इधर है बैनी का गैराज। ओके ओके गाइस, तो गाइस इसने गाड़ी तो रेडी कर दी है भाई। एक सेकेंड, गाड़ी में ना एक चीज का इफेक्ट आ रहा है, ये देख रहे हो, जैसे जैसे मैं चल रहा हूँ ना गाड़ी का कलर ब्लू ब्लू थोड़ा दिख रहा है, बट गाड़ी जो जो हालत में हम लेके आए थे ना, जो पेंट में हम लेके आए थे वही है, बट जैसे जैसे मैं साइड साइड चल रहा हूँ ना वैसे वैसे देखो इसका कलर का इफेक्ट आ रहा है, मतलब ब्लू टाइप का, मतलब इसने थोड़ा थोड़ा कलर करना शुरू कर दिया है गाड़ी को। और हाँ भाई कलर के बॉटल्स भी नीचे ही पड़े हुए हैं भाई, एक बार मुझे चेक तो करने दे भाई गाड़ी है कैसी। तो चलो यार गाइस अपन जो है ना एक बार ये गाड़ी अपनी टेस्ट तो कर लेते हैं। बाकी बैनी ने भाई काम अच्छा किया यार, लाइट्स वगैरह भी बढ़िया काम कर रहे हैं सब कुछ। चलो देखते हैं भाई, गाड़ी तो इसने पूरी ब्लास्ट ही कर दी थी, उस हिसाब से गाड़ी ना बिल्कुल भाई बढ़िया लग रही है यार, बट कलर बस थोड़ा सा रह गया। मैं सोच रहा हूँ कलर कोई और करवा लूँ या फिर भाई वही ठीक है यार, पहले भी अपने पास वही कलर की गाड़ी थी तो मैं कह रहा हूँ वही ठीक है। बाकी गाइस ये देखो लो, इसने थोड़ा थोड़ा जो पेंट करा है ना उसका इफेक्ट तो आ रहा है भाई ब्लू टाइप का, जैसे सन की लाइट पड़ रही है ना जैसे गाड़ी पे, ब्लू ब्लू टाइप का इफेक्ट तो आ रहा है भाई, पर गाड़ी ना इसने बिल्कुल वैसी ही कर दी है। चलो ठीक है गाइस, टायर वायर सब मस्त है और गाड़ी भी बिल्कुल ठीक है, तो चलो यार इसको दे देते हैं। बाकी ये गाड़ी पे पेंट वेंट कर देगा, थोड़ा और टाइम अपन को वेट तो करना ही पड़ेगा। गाड़ी लेके ना अभी सीधा जाऊंगा डगन बॉस के विलेज पे और उसको दिखा दूंगा फिर भाई गाड़ी, क्योंकि सबसे पहली जब हमने अपनी लॉस सैंटोस में अपना करियर स्टार्ट करा था ना, ये अपनी सबसे फर्स्ट कार है। तो चलो अभी जो पेंट का काम रह गया उसको भी ये करवा लेते हैं पूरा इसको। चलो यार गाइस अंदर कर लेते हैं अपनी गाड़ी को, और चल भाई बैनी जो इसका काम रह गया ना वो कंप्लीट कर दे भाई। बाकी ना गाइस जब तक बैनी पेंट वेंट कर रहा है ना अपन इसकी गाड़ी वाड़ी चेक कर लेते हैं भाई। इसके पास ना गाड़ियां मतलब ये तो भाई उनकी गाड़ियां जो इसके कस्टमर्स आते हैं इसके, तो गाइस यार इसके पास ना सारे बड़े बड़े घरों के बंदे आते हैं अपनी गाड़ियां रिपेयर करवाने, क्योंकि आप लोगों ने देखा इसके पास कोई भी सिंपल गाड़ी नहीं, सारी की सारी सुपर कार्स है। तो चलो यार फिर नीचे जाके अपन को वेट करना पड़ेगा, तब तक भाई ये क्या चेक कर रहा है। ओ हेलो, फिर गाड़ी मत फाड़ देना भाई। ओके तो गाइस ये गाड़ी में क्या ही मस्त फ्लेम निकल रहे हैं भाई, मुझे लग रहा है ना ये तगड़ी वाली मॉडिफिकेशन करके देगा गाड़ी में।
सही में बता रहा हूँ। तो चलो यार, जब तक ये कर रहा है तब तक अपन चलते हैं नीचे, वेट कर लेते हैं, और क्या ही कर सकते हैं। अबे यार, इसके पास ये लॉस सैंटोस का मैप क्या कर रहा है भाई, कहीं ये भी गलत वलत काम तो नहीं करता यार। चलो क्या ही कर सकते हैं। बाकी पता नहीं यार कब तक ये वेट करवाएगा मुझसे यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा यार, एक गाड़ी को पेंट करने में इतना कितना टाइम लग जाता है भाई, समझ में नहीं आ रहा यार। देखो यार कितना टाइम लगता है। वेट वेट वेट, ये आ चुका है भाई। भाई अभी ये मोटा खर्चा बताएगा मेरे को, मुझे लग रहा है। अबे गाड़ी रेडी है कि नहीं भाई, ये बिल अपने साथ लेके घूम रहा है। अबे पेमेंट तो मैं इसको एक पैसा नहीं देने वाला अभी। तो चलो यार, अभी ये बोल रहा है कि गाड़ी तो फुली रेडी है, अभी इसका मुझे साथ साथ जाना है। और ये कह रहा है कि इसने गाड़ी बिल्कुल मतलब चमका दी है, मतलब पेंट वेंट करके ऐसे धो वो के बढ़िया कर दिया गाड़ी। तो चलो यार इसका पीछा करते हैं और पहुंचते हैं फिर बैनी के गैराज पे। चलो यार गाइज, अपन आ चुके हैं बैनी के गैराज में। भाई साहब गाड़ी क्या ही चमक मार रही है भाई, देख रहे हो गाड़ी में से क्या ही चमक आ रही है। पूरी गाड़ी इसने नई कर दी है, पूरी फुली तगड़ी चमक आ रही है भाई गाड़ी में। ऑल राइट, अभी ये नहीं पता भाई इसके शोरूम के कारण चमक आ रही गाड़ी में इतनी, जा बाहर भी चमक आएगी। चल ठीक है भाई बहनी, मैं चल रहा हूँ। भाई भाई बाहर भी अच्छी चमक आ रही है यार गाड़ी में। तो चलो यार एक बार इससे बात कर लेते हैं भाई। भाई देख बहनी, मेरे पास ना पैसे वैसे कुछ भी नहीं है, और मुझे जाने दे भाई, तेको बता रहा हूँ, मुझे जाने दे। चल ठीक है फिर, बहनी मान चुका है गाइस। अबे यार बिल बिल मत दिखा भाई, मैं जा रहा हूँ, मैं तेको सही में बता रहा हूँ मैं। अबे जान दे ना भाई, ये जाने नहीं दे रहा यार, ये गलत है भाई। बहनी जान दे यार भाई, ले लेना यार बाद में पैसे भाई, जाने देना यार। अबे ऐसे करते इधर से निकलते हैं। अबे यार इसके खामखा चोट लग जाएगी यार। चलो चलो यार, जितने पैसे है ना मेरे पास इसको दे देते हैं यार। भाई देख बहनी, मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है, 10-15 हज़ार डॉलर है, तो देख ले भाई उतना ले ले, बाद में मेरे सर पे उधार रहेगा, मैं दे दूंगा तेरे को। चल ये पकड़ बहनी, अपने सारे पैसे इकट्ठे कर लेना भाई, नाच रहा है। चलो ठीक है गाइस, इसको मैंने 10,000 डॉलर दे दिया और मेरे पास अभी फूटी कौड़ी भी नहीं है। चल ठीक है भाई बहनी, मैं जा रहा हूँ, बाकी जब भी जरूरत पड़ी कोई और गाड़ी वाड़ी की मैं तेरे को बताऊंगा जरूर। बाकी हाँ गाइस यार, अभी अपनी गाड़ी जो है ना वो बहुत खतरनाक नेक्स्ट लेवल हो चुकी है, जो कि अभी भाई चलाने में भी इसको मजा आएगा। अभी देखना है भाई इसने बैनी ने इसमें मॉडिफिकेशन क्या करी है। बाकी ना गाइस, गाड़ी लिटरली कुछ ज्यादा ही तेज भाग रही है, 200 टच कर चुकी है गाड़ी आराम से। अगर मैं इसको ज्यादा पुश करूंगा ना तो ये 300 आराम से पुश कर जाएगी। बाकी गाइस यार, बैनी ने अपनी गाड़ी जो है ना वो बहुत ही मस्त कर दी है, मतलब भगाने में भी अलग लेवल का मजा आ रहा है भाई। इसको तो मैं लहराता लहराता निकल जाऊंगा, क्या ही स्पीड में भाग रही है गाड़ी। और भाई अभी इसको ना डगन बॉस को दिखाने लेके चलते हैं, बंदा खुश हो जाएगा भाई मेरी गाड़ी देख के। ओ एक मिनट यार, मैं थोड़ा गलत जा रहा हूँ, इधर से चलता हूँ थोड़ा, मतलब लेफ्ट जाके अपन को आगे जाके ना राइट जाना है, तो यहाँ से मुझे लेना राइट। अभी गाइस अभी सीधा मैं अपनी गाड़ी को भगा के ना इतनी फुल स्पीड में इसकी गाड़ी की ना मैं स्पीड टेस्ट भी करने वाला हूँ, और भाई इसको फुल स्पीड में भगाएंगे भी। ओ भाई पागल है क्या यार, अभी अभी नई गाड़ी लेके आऊं भाई, ठोक भी दी थोड़ा सा यार, स्क्रैच आ चुका है। वेट, ओ ये अंडरवाटर माफिया कहाँ से आ गया अबे? ओ वेट 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 वेट, अबे यार मुझे अभी अपनी गाड़ी भगानी पड़ेगी, मेरे पास तो कोई भाई वेपन भी नहीं है इसको मारने के लिए। और भाई बंदा कैसे गाड़ी अपना बाइक भगा रहा है। वेट वेट वेट, मुझे अपने पहली गाड़ी को ना यहाँ से लेके जाना पड़ेगा, अभी मुझे लग रहा है ना ये, अभी गाइस मुझे अपनी गाड़ी को बचाना है। वेट अबे यार, ये किस वेपन से वार कर रहा है भाई मेरी गाड़ी पे। वेट 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 वेट, मुझे अपनी गाड़ी को भाई कैसे भी करके ना लेके जाना पड़ेगा दूर इससे। गाइस गाइस पीछा करता करता आ रहा है। ओ भाई वेट अ मिनट, आखिर कर क्या रहा है ये बंदा। रुको रुको गाइस यार, अभी भाई ये ना एल रूबियो कुछ ज्यादा ही अपने पीछे लगा हुआ है भाई अपन को उठाने में। ये एल रूबियो ना अपने बार बार कभी गार्ड्स भेजता है, कभी भाई ये अंडर वाटर माफिया को भेजता है मेरे को उठाने के लिए। अभी मुझे लग रहा है ना पक्का ये अंडर वाटर माफिया को इसी ने भेजा है, ताकि ये मुझे कायोबेरी को बुला सके। बट भाई अभी मुझे बच के रहना, अपनी गाड़ी को भी सेफ करना है और खुद को भी। तो चलो यार गाइस, हम जो है ना अपनी गाड़ी को लेके, मैं अपनी सॉरी गाड़ी को लेके ना काफी ज्यादा आगे जा चुका हूँ, और ये बंदा ना भाई मेरे पीछे हाथ धो के लगा हुआ है। तेरी भैंस की, वेट इसने मेरी गाड़ी का टायर पंक्चर कर दिया, ये क्या किया, कुछ हुआ था भाई, मेरी गाड़ी एकदम से आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। वेट अभी नहीं 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 ठीक है भाई, इसने गाड़ी को बहुत जोर से मारा, पता नहीं कौन सी चीज इसके हाथ में जो के बहुत ज्यादा जोर से मार रहा है ये। ऑल राइट गाइस, अभी भी ये ना भाई मेरा बंदा बिल्कुल साथ तक नहीं छोड़ रहा, गाड़ी का टायर गया। वेट यार भाई, अभी जस्ट नए नए टायर लगा के दिए थे बैनी ने यार, टायर गया गाड़ी का। फिर भी गाइस इस गाड़ी में इतनी जान तो है कि मैं इसको पंचर टायर के साथ ही ना फुल स्पीड में भगा लूं, पर गाड़ी का टायर बिल्कुल ही गया यार, ये बहुत गलत किया यार इसने। इसको आने दो, इसकी पैस की टांग, इसको मैं छोड़ने नहीं वाला भाई।
अब ना इसको गाड़ी के नीचे ही देना पड़ेगा भाई, इसने गाड़ी की बहुत बुरी हालत कर दी। कहाँ चला गया ये आ चुका है तेरी ऐसी की तैसी, इसको गाड़ी के नीचे देके ही मारूंगा तेरी पैस की, नीचे उतर के ना भाई, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब देख भाई, और गाइस अभी मैंने अपनी गाड़ी को ना पूरी फुल स्पीड दे दिया, अभी भाई ये मेरे हाथ से बचने नहीं वाला। ओ पैस की, अबे ये इसने बहुत गलत किया, अभी इसके पास ये क्या चीज है भाई, प्लीज गाड़ी पे रैम खा भाई, अभी अभी गाड़ी नहीं लेके आया हूं, प्लीज प्लीज मत कर भाई, प्लीज 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 मत कर मत कर मत कर, इसकी ऐसी की तैसी, अभी एक मिनट तेरी ऐसी भाई। बच गया यार बंदा, गाड़ी की ऐसी तैसी पूरी फेर दी भाई बंदे ने। ओ भाई गाड़ी को कैसे नचा रहा है भाई, मैं गाइस मेरे से पूरी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है गाड़ी यार, ये भैंस की यार क्यों कर रहा है भाई। गाइस अभी इसको छोड़ने नहीं वाला तेरी ऐसी की तैसी, अब तो तू बेटे गया मेरे हाथ से, अब तू बचने नहीं वाला, क्योंकि भाई तूने ये बहुत ही गलत करा है मेरे साथ। तो गाइस 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 अभी भाई इसकी बुरी हालत मैं करने वाला हूँ तेरी ऐसी की तैसी भाई, इसका बाइक ब्लास्ट हो गया। तो गाइस इसकी पूरी हमने ना बाइक इसकी ब्लास्ट कर दिया, और ये अभी ना भाई कुछ ज्यादा ही खतरनाक तरीके से फायर कर रहा है मेरे ऊपर भाई, मेरी पूरी गाड़ी किसने ऐसी तैसी कर रखी है भाई। ओ नहीं 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 भाई, पूरी गाड़ी गई, और ये अभी बहुत ज्यादा आक्रामक हो चुका है भाई, बंदा ना कुछ ज्यादा ही लगा पड़ा है, और गाइस गाड़ी मेरे सामने भाई ब्लास्ट हो जाएगी। एक मिनट मुझे गाड़ी से उतरना पड़ेगा भाई, ओ भैंस की, रुको 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 एक बार ना भाई, अभी इसकी ऐसी की तैसी तेरी ऐसी की तैसी भाई, अभी इसको छोड़ देने वाला, और रुको भाई, एक तो मेरी गाड़ी पलट गई है भाई, एक ऊपर से ये मार रहा है मेरे पास तेरी ऐसी की तैसी भाई, अभी इसको मैं छोड़ देने वाला गाइस, ये बहुत जोर से मार रहा है, रुक 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 बेटे तू पहले इधर आ, तेरे को अभी बताता हूँ। तो गाइस गाइस फाइट करते करते ना काफी ज्यादा टाइम हो चुका है, और ये देख रहे हो मेरी इसने क्या ही हालत कर दी है, पर फिर भी गाइस अभी इसको मैं छोड़ देने वाला बेटे, 3 2 1 अभी तेरी। ओ भाई भाई इसने बहुत जोर से सर पे मारा मेरे, गाइस इसने बहुत जोर से एक बल्ला मारा सर पे, और भाई माइकल की हालत देख रहे हो क्या ही हो चुकी है। ओके तो गाइस ये मैं कहां आ चुका हूं भाई, भाई 2 मिनट के लिए तो पूरा अंधेरा सा हो गया था, अब ये मैं कहां आ चुका हूं, वेट भाई ये सामने अंडर वाटर माफिया खड़ा है, और देख रहे हो भाई डंडा लेके डरा रहा है, और साथ में इसके ब्लैक ऑप्स के बंदे खड़े हैं, जो के भाई पिछले 5 दिन से अपना साथ नहीं छोड़ रहे, और भाई कैसे भी करके अपन को पकड़ना चाहते हैं। और गाइस ये अंडर वाटर माफिया ने ना भाई जितना अपने आप को भगा रहा था ना इन चीज़ों से, भाई अंडर वाटर माफिया ने आज वही चीज़ कर ली, मेरे को पकड़ ही लिया, और मुझे लग रहा है भाई ये मुझे सच्ची में या तो फिर कायो पेरी को आइलैंड लेके जाने वाले हैं भाई साहब। अभी मुझे ना बस कैसे भी करके ना यहाँ से भागना, ऊपर से ये देख रहे हो भाई क्या करके दिखा रहा है, ये तो ऐसे डरा रहा है कि भाई ये मुझे खत्म ही कर देगा, देख रहे हो भाई कैसे कर रहा था ये भाई साहब। अभी तो गाइस मुझे लिटरली ज्यादा ही डर लग रहा है, और माइकल की आप लोग हालत देख पा रहे हो कितनी ज्यादा बुरी हो चुकी है भाई, ये भाई देसी कट्टा से डरा रहा है भाई मेरे को, मेरे पास तो भाई सब कोई वेपन भी नहीं है, नहीं तो उठ के ना भाई इसकी ऐसी हालत करता ना, ये याद रखता भाई इसने और ट्रेवर ने सही में अपने साथ बहुत गलत किया, मैंने हमेशा इसको और ट्रेवर को अपना दोस्त माना है, और इन दोनों ने भाई बहुत गंदा धोखा दिया, चंद पैसों के लिए ना ये एल रूबियो के साथ मिलके भाई मेरे को मारने के लिए लगे पड़े हैं, मतलब भाई इनको अभी ये भी पता चल चुका है कि डगन भी जिंदा है, और ये मेरे को और डगन को किसी भी हालत में भाई पकड़ के ना कायो पेरी को ही लेके जाना चाहते हैं। अभी गाइस मुझे नहीं पता इसने मुझे यहाँ पे क्यों बंद करा है, या तो फिर ये मुझे यहाँ से ही कायो पेरी को लेके जाएगा, या फिर मुझे ये आज में यहाँ पे खत्म कर देगा, गाइस अभी कुछ पता नहीं है। तो गाइस अभी मेरे तो यार कुछ समझ में नहीं आ रहा अभी मेरे साथ क्या होने वाला है, तो चलो यार गाइस करते गाइस इस वीडियो का एंड, वीडियो कैसी लगी वीडियो को लाइक करके बता देना, वीडियो में अच्छा कमेंट भी कर देना, वीडियो को दबा के शेयर भी कर देना, मेरे से बात करने के लिए डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लेना, मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लेना, डिस्कॉर्ड और इंस्टा दोनों का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।